नमस्कार, आप देख रहे हैं जलको शेखावटी और मैं हूं आपके साथ अंकुश यादव। अब बड़ी खबर नीमका थाना से। नीमका थाना के प्रीतमपुरी ग्राम पंचायत में विधायक सुरेश मोदी की मौजूदगी में जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से टीम आई, जिसमें डॉक्टर एम एल जाखर, डॉक्टर बी एल ककरेलिया और डॉक्टर गुप्ता, जो कि तीन अलग अलग कमेटी के सदस्य हैं, कृषि महाविद्यालय खोलने के लिए प्रीतमपुरी में दो तीन जगह देखी गई है और जो कमेटी निर्णय लेगी उसी जगह महाविद्यालय खोला जाएगा। प्रयास यह है कि इसी जुलाई सत्र से महाविद्यालय चालू किया जाएगा। जब तक महाविद्यालय का कार्य शुरू नहीं होता तब तक प्रीतमपुरी के प्राथमिक विद्यालय में महाविद्यालय का कार्य शुरू किया जाएगा। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता, तहसीलदार सत्यवीर यादव, नायब तहसीलदार सुभाष स्वामी, जेपी पटवारी, सीताराम पटवारी, हरि सिंह पटवारी, पूर्व सरपंच भोलाराम लांबा, राजचंद नेहरा, हरि सिंह भावरिया व जसवंत मीणा आदि लोग मौजूद रहे। धन्यवाद। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय से टीम आई हुई है, जिसमें डॉक्टर जाखर, डॉक्टर ककरेलिया और डॉक्टर गुप्ता तीन कमेटी के मेंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो कृषि महाविद्यालय प्रीतमपुरी में खुलने जा रहा है। प्रयास ये है कि इसी जुलाई सत्र से ये चालू हो जाए और इसके लिए जो इनको ज़मीन की आवश्यकता है वो ज़मीन इनको दिखाई गई है। अब ये जो भी फैसला करेंगे, निर्णय करेंगे, अभी टेम्परेरी विद्यालय किसी भवन में चालू हो वो विद्यालय भी इनको दिखाया गया है। प्राथमिक स्कूल है यहाँ की, वो भवन भी इनको दिखाया गया है कि जब तक इनका भवन तैयार हो तब तक उसमें महाविद्यालय का काम शुरू हो जाए और इसी सत्र से बच्चों को और गांव वालों को इसका फायदा मिले। दो मिनट आप भी। श्रीमान विधायक महोदय साहब, मोदी सर, आज जो हमारी टीम कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से गठित की गई थी, प्रीतमपुरी में जो कृषि नवीन कृषि महाविद्यालय सरकार ने इस बजट सत्र में खोला था उसके परिप्रेक्ष्य में पहुंची, और पहले तो हम विधायक साहब का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाला और खुद चल के लेन तक गए कि कौन सी लेन लेनी है, और जो स्कूल दिखाई है वो हमारे लिए उपयुक्त है। अब दो जगह हमने ज़मीन देखी है, कसार नंबर 2003/1 और 2004 और 1.5 बीघा का यहाँ इस प्रीतमपुरी के नॉर्थ पार्ट में है। इनमें से जो हमारी कमेटी सेलेक्ट करती है, डिस्कस करके फिर हम इसके प्रस्ताव भिजवा देंगे और यही आशा करेंगे कि विधायक साहब इसके विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देंगे। धन्यवाद। बस।